राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर बीएन चौहान गुना पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया। शुरुआती दौर में चौहान का रवैया बहुत ही सख्त दिखा, वहीं उन्होंने अस्पताल को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसमें साइकिल स्टैंड को व्यवस्थित करना सर्वोपरि था। वहीं चौहान ने आपत्ति जताई कि गेट पर इस तरह से साइकिल स्टैंड नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने सिविल सर्जन को इस बारे में हिदायत भी दी। कई बार चौहान डांटने के लहजे से सिविल सर्जन के साथ बात करते हुए भी नजर आए। वहीं जब उन्होंने पैथोलॉजी का निरीक्षण किया तो वहां पर गंदगी पाए जाने को लेकर एक संविदा कर्मी को तुरंत निलंबित करने की बात भी कही। वहीं पैथोलॉजी के प्रभारी डॉक्टर बीएल दाखल को भी नोटिस देने की बात उन्होंने कही। देखने में आया कि हमेशा इस तरह से अधिकारी आते हैं और दिशा निर्देश देकर चले जाते हैं, लेकिन धरातल पर सब कुछ नहीं होता। वहीं जब भी अधिकारी आते हैं तो उससे पहले अस्पताल को पूरी तरह से चमका दिया जाता है, जैसा कि आज किया गया। वहीं जो डॉक्टर एवं स्टाफ कभी यूनिफॉर्म में नहीं होते थे, वह सभी यूनिफॉर्म में नजर आए। वहीं सभी कर्मचारियों के गले में आइडेंटिटी कार्ड भी लगा हुआ था। देखने लायक होगा कि जो दिशा निर्देश सिविल सर्जन को दिए गए हैं वह कहां तक लागू हो पाते हैं, या फिर हमेशा की तरह दिशा निर्देश हवा हवाई हो जाएंगे। इसी बीच पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि कोशिश की जा रही है कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने साफ दिशा निर्देश दिए कि कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक के अलावा किसी अन्य प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं नहीं दे सकता। कितना प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, किससे पूछूंगा? आप कौन है? लेफ्ट यूज। नाम बताओ। बोलो। आर पी शर्मा। शर्मा जी, ये बताओ कितने साल से काम कर रहे हैं? 33 साल से ना। तो 2012-13 से ये डीएमपी सूची लगाने, अपना डायग्नोसिस कराने के लिए आपने टेस्ट हो रहे जिला अस्पताल में 48 तारीख की सूची लगाने का बोला ना, तो क्या करूँगी छोटी सी? किसके लिए है वो? आम पब्लिक के लिए है वो? कितना छोटा पब्लिक को हमारे अस्पताल में कौन सी जाते हैं, हमारे कितने प्रकार की हो रही है? और खुदा ने खासा अगर 48 में कोई ने उसका के कट लगा के रख दो, क्या कोई जांच नहीं हो रही है? कोई कारण से नहीं हो सकती है, मान लो रिएजेंट नहीं है, हाईलाइट की नहीं करा पा रहे हैं, या आपके टॉर्च की नहीं करा रहे। अच्छा, कोई इशू है आपका लैब का? सामान नहीं हो रही है जब ये मतलब डॉक्टर है ना, ये कुछ कट रहा हो प्लास्टिक की, कौन से कलर यूज करोगे? येलो, ग्रीन, येलो ब्लैक? आपने अभी पूछेंगे सिंपली, तो आप लोग सब बोल दोगे मैंने किसी ने नहीं रखा, तो क्यों बाहरी आदमी आके तो डाल के नहीं गया है? किसने रखा ये? किसने रखा, रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप बोल रहे, आप ड्यूटी कौन कर रहे हैं? सेग्रीगेशन कोई सी चीज कहाँ करते मालूम नहीं है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट मदद, सब लोग जो सीनियर लोग हैं सब बेवकूफ है, जो तुम लोगों को आगे ट्रेनिंग दे देके समझा समझा के सब करके जाते हैं, और तुम लोग जो गांव के लोग रहते हैं ना, इलिटरेट, जिसको जहाँ पटकना सामान पटक के चलते वालों, समोसे कचौरी रास्ते में खाया फेंक के चले जाओ, वही तुम लोग कर रहे हो। ये करो बायोमेडिकल वेस्ट, दिस वन। क्या नाम क्या आपका? रूबी खान। क्या होते सविता की रेगुलर है? इसको टर्मिनेट कर दो। सुपर नोटिस दी आज की तारीख दी अभी आप टर्मिनेट हट नहीं नोटिस दिया टर्मिनेट करिए आप इसको अभी बनाइए लेटर जरूरत आपकी सेवा like
आपकी गाड़ियाँ सब पड़ी है यहाँ और पेशेंट लोग अपने आ रहे हैं, सप्ताह 10% लोग ऐसे आते हैं कि उनको पकड़ के लेके चलता रहता आदमी है, उसकी आप केयर नहीं करोगे इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। लेकिन हम मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ से आपके पास छूट रहे हैं, लेकिन बेटर सोल्यूशन निकाल करेंगे। तकलीफ रहा ना डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ की कमी, तो उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जाएगा? हाँ देखिए, एक तो डॉक्टर की कमी का तो मैं रेक्टिफाइड करने के उद्देश्य यहाँ तो रेक्टिफाइड नहीं कर पाएंगे डॉक्टरों की जो है क्लास 1 के और क्लास 2 के पूरे प्रदेश के साथ में गुना जिले में और गुना जिला चिकित्सालय में पद खाली है। उसमें कैसे हम लोग भर पाएंगे, तो संविदा नियुक्ति से हम लोग कितने NHM से भर पाएंगे वो तो अभी इस साल का जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्वीकृति आएगी तो उस पर स्टेट लेवल पर डिसीजन लेंगे कि NHM से अपन कितना भर पाएंगे। हाँ उसमें गुना के साथ साथ बाकी प्रदेश के ज़िले भी है, क्योंकि ओवरऑल मिला के बात करें तो अपने स्पेशली डॉक्टरों के और मेडिकल ऑफिसर के पद खाली है। तो मतलब ऐसा क्या कारण, एक्चुअल में गुना जिला का जो हॉस्पिटल है वो एक मेडिकल कॉलेज स्तर का है, उसका यहाँ पर पूर्ति नहीं हो पा रही, बाकी ज़िलों में कैसे हो गई? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल कॉलेज स्तर का अस्पताल है और बाकी प्रायोरिटी जिले में केवल एक ही अस्पताल है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं बता दूं आपको कि उज्जैन का अस्पताल 700 बेड का, 500 बेड के भी मैंने मानता हूं कि हाईवे के ऊपर है, बड़ा अस्पताल है, लेकिन क्योंकि अब डॉक्टरों की कमी पूरे प्रदेश में है तो स्टेट ऑलरेडी उस पर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। इवन यहाँ भी पिछले साल भी किया था कि लोगों को ओपन वो किया था हम लोगों ने विज्ञप्ति जारी करके, और जहाँ जहाँ भी हमारे स्पेशलिटी के पद खाली पूर्ति करने के लिए लोग आ नहीं रहे हैं, अपॉइंटमेंट हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। सर जैसे आज आपने निरीक्षण किया, क्या क्या कमियाँ मिली हो, क्या दिशा निर्देश दिए आपने? हाँ मैं इस पर बताना चाहूँगा, पहली बात तो कि मेरा आने का जो आज का विजिट का है विशेष रूप से कि हम लोग चाहते हैं कि जो हाईवे के हैं या बड़े बड़े अस्पताल हैं जो भी आपने पूछा था, तो हम चाहते हैं कि बुनियादी जो सेवाएं अस्पताल को दी जाना चाहिए वो जरूर होना चाहिए। इसीलिए अभी आपने देखा कि पैथोलॉजी सेवाएं जो जांच होती है बहुत ज़रूरी है, ब्लड बैंक बिल्कुल लाइफ सेविंग वाली हमारी सर्विस है, इसी प्रकार से OPD की चीज़ें, तो बुनियादी सर्विस तो कम से कम सभी टाइप के जो स्पेशलिस्ट है कम से कम एक हो जाए, तो थोड़ा मैं अवलोकन निरीक्षण करने का मेरा उद्देश्य एक तो यही रहा। दूसरा यहाँ के सिविल की है, सिविल का मतलब भवन से संबंधित चीज़ें हैं, तो भवन के अंदर भी कुछ मतलब क्या जगह कम पड़ रही है, वार्ड कम पड़ रहे हैं, मेटर्निटी विंग है, ड्रामा यूनिट बनी है, उसमें लिफ्ट वगैरह का लगानी है, तो मैं अवलोकन करने अस्पताल का आया हूँ। उसके बाद हम लोग क्या राज्य स्तर से कर सकते हैं, क्या NHM से कर सकते हैं और क्या स्थानीय स्तर से कर सकते हैं, ये मेरा उद्देश्य है भ्रमण का। अच्छा यहाँ के ड्यूटी डॉक्टर्स या जो भी एम्प्लॉयज हैं वो बाहर भी जाके प्राइवेट काम भी करते हैं, तो उनके लिए क्या हिदायत रहेगी आपकी या क्या आप एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? प्राइवेट में डॉक्टर लोगों को प्राइवेट प्रैक्टिस के अंतर्गत जो राज्य शासन की नीति है उसमें अस्पताल के बाद में अपने क्लिनिक में जाके